भांडेर कस्बे में स्थित थाना परिसर से महज 50 मीटर की दूरी पर मौजूद 3 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। यहां देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़े और करीब 1,00,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर भाग गए। जानकारी के अनुसार गांधी चौक निवासी मनीष कुमार पोद्दार गल्ला व्यापारी हैं, जिनकी दुकान भांडेर थाने के पास है। वहीं गल्ला व्यापारी की दुकान के बगल में भगवान शरण गुप्ता और संतोष साहू की किराने की दुकान है। अज्ञात चोरों ने सब्बल से दुकानों के ताले तोड़े और अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने दुकान के ताले टूटे हुए देखे तो व्यापारियों को फोन कर जानकारी दी। दुकान मालिकों के मुताबिक चोर करीब 1,00,000 रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्योंकि ये जो लाहौर चौराहे पे स्थित परिसर है, ये IDFC बैंक के बगल से है और हमारा चूंकि जो परिसर है मेन अनाज का काम है। आज सुबह जब 7:15 बजे मैं अपनी गद्दी की तरफ आया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मेरी दुकान के साथ साथ मेरे जो किराएदार है भगवान शरण गुप्ता संतोष साहू जी, उनकी भी दुकानों के ताले टूटे हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।